नमस्कार दोस्तों, अमृता किचन में आपका स्वागत है। आज हम पेठा और नारियल के लड्डू बनाएंगे और आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर इस चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नारियल और पेठे के लड्डू किस तरह बनाए जाते हैं, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये हमने एक कटोरी नारियल बुरादा ले लिया जो मार्केट में मिल जाता है, 4-5 पीस ले लिए, जिसको ये पेठा है जो मार्केट में मिल जाता है, और ये हमने बादाम ले लिए थोड़े से, इसको बारीक चॉप कर लिए। ये हमने लड्डू, ये लड्डू वाला कलर ले लिया जो पीला, इसके अंदर हम लड्डू बनाएंगे इसको क्रश करके, और ये हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। और ये वाला नारियल बुरादा हमने इसलिए लिया कि लड्डू बना के हम इसके अंदर लपेट देंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे लगेंगे हमारे लड्डू। हमने पहले से ये कद्दूकस कर लिया था तो अब हम लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। ये हमने एक कटोरा ले लिया, इसके अंदर हम नारियल बुरादा डालेंगे, साथ के साथ हम ये क्रश किया हुआ पेठा डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे, गूंथ लेंगे अच्छी तरह। ये जल्दी बन जाते हैं। नारियल बुरादा हमारा ज़्यादा था तो हमने पीस थोड़े कम ले लिए थे, अब हम क्रश करेंगे ऐसे करने। साथ के साथ हम कलर डाल देंगे, इसको अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है। ये भी क्रश किया हुआ हम बादाम डाल देंगे बीच में। आज अब ये होली आने वाली है तो ऐसी चीज़ें रंगीन अच्छी लगती हैं, आप मेहमानों के सामने भी रख सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं ये कलर। तो अब हम थोड़े थोड़े लड्डू बना लेंगे साथ के साथ, आप कोई भी शेप देख सकते हो। होली में बना के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको और बच्चे बहुत खुश होंगे। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। काफ़ी अच्छे बन गए हैं, रंग काफ़ी अच्छा आ गया और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और होली का त्यौहार, होली की आपको बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी अच्छा, रंग बिरंगे कलर खिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप भी मेरी रेसिपी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सुझाव अमृता किचन से शेयर कीजिए। और अपनी हमारी वीडियो अपनी फैमिली दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।